क्योंकि जब जब भी सलमान खान के साथ में स्क्रीन शेयर करना होता है तो काफी चैलेंजिंग भी होता है, काफी प्रेशर भी होता है, क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो किस तरह से देखती हैं आप, क्योंकि आपने पहले भी काम कर चुके हैं आप उनके साथ, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि अब जो अगला सीन है वो सलमान खान के साथ में है, क्योंकि ढेर मिलियंस ऑफ पीपल उन्हें लाइक करते हैं, तो ऐसा कुछ दिल में दिमाग में ये है कि ये गलत ना हो जाए जिससे, क्योंकि आज की ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट हो गई है कुछ। जैसे जब मुझे सीन करना था अनिल सर के साथ, तब मेरी फटी पड़ी थी, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी भी कि नहीं, पर द मिनट अनिल सर वॉक्ड ऑन द सेट, मतलब उन्होंने आते ही बोला चलो 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 डीजी रिहर्सल करते हैं, चलो साकिब रिहर्सल करते हैं पहले, तो वो जो एक कंफर्ट लेवल था वो उन्होंने ही आते ही बना दिया। हम तो फिर भी डरे हुए थे कि अरे इतने बड़े एक्टर है और कहीं उनको हमारी वजह से ज्यादा रीटेक्स ना करने पड़े, वो छोड़ो क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे उनके सामने, बट वो वही होता है ना आज की तारीख में कि सुपरस्टार्स जो होते हैं, जो बहुत ही लेजेंडरी एक्टर्स होते हैं या जो इंडस्ट्री में काफी साल से, दे नो देयर वर्क, पर अपने को एक्टर को जो के बहुत ही नए हैं उनको कंफर्ट जोन में लाना वो बहुत ही मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, बट थैंक्स टू अनिल सर एंड सलमान सर, दे ट्रीटेड अस इक्वली। आज अगर हम डिस्कशंस भी करते थे फिल्म के बारे में, शायद वो सीन में मैं नहीं हूं, बट दे मेड श्योर दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, नॉट बिकॉज के ये फिल्म की एक्टर है तो चलो इसको भी डिस्कशन में ले लो, नहीं, बिकॉज आई एम देयर थ्रू आउट इन द फिल्मिंग प्रोसेस ऑफ द फिल्म, मुझे मैं हर कड़ी से जुड़ी हुई हूं, तो वो एक एक्टर ही कर सकता है, एक जो इतने सालों से जो एक्टर है, जो इतने सालों से अपना एक नाम बना चुका है, वो वही एक्टर कर सकता है।